हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन जो हमने सीरीज की शुरुआत की है, उसमें हमारा आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में जब इंटरनेट जीवन का अभिन्न अंग बन गया है या अभिन्न हिस्सा बन गया है, ऐसे में इंटरनेट का निलंबन एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। इन प्रेजेंट टाइम्स व्हेन इंटरनेट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट शैल बी पार्ट ऑफ लॉजिकल प्रोसीजर। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ रिसेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस प्रश्न के जो हमारे पास हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम जो बेहतर आंसर आए हैं वो आपके पास साथ साझा कर रहा हूँ। पहले इंग्लिश मीडियम का जो बेहतर आंसर है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले इंटरनेट को डिफाइन किया है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम कनेक्टिंग बिलियंस बाय फैसिलिटेटिंग वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू डेटा रिसोर्सेज। द इसके बाद इंटरनेट का फुल फॉर्म उन्होंने बताया है। इंटरनेट की ब्रीफ हिस्ट्री और वर्तमान में इंटरनेट यूजर्स की संख्या, रूरल और अर्बन एरियाज में किस तरीके से उसमें कैसे वृद्धि हुई है, एक ग्राफ के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश की है, रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ इंटरनेट को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है। आप इसको देख सकते हैं, पहले इन्होंने सेक्शन वाइज सेक्शन डिवाइड किया है। जैसे एजुकेशन के सेक्शन में क्या है, तो ऑनलाइन क्लासेज, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं आप, हायर डिग्री डिप्लोमा ले सकते हैं। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या है, ई कॉमर्स के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या है, और फिर उन्होंने इसको विस्तार दिया है। इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में क्या है, हेल्थ के क्षेत्र में क्या है, तो आप देख सकते हैं लगभग सारे डायमेंशंस को उन्होंने एक फ्लो चार्ट में कवर किया है। फिर इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं जिसके कारण इंटरनेट शटडाउन करना पड़ता है, इंटरनेट एडिक्शन, पर्सनल डेटा एंड साइबर अटैक, हेल्थ के रिगार्डिंग जो फेक न्यूज या र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, हेट स्पीच, वायलेंस। इसके बाद अब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट हैं इंटरनेट शटडाउन को लेकर, उसे आप कोट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस को कोट किया है। इसके अलावा आप फाइमा सारी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का कोट कर सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 21A के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के लिए इंटरनेट को अनिवार्य बताया है उन्होंने। इसके बाद देखिए, इन्होंने मैप के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा बैन भारत के किन एरियाज में लगाया गया है। इसके बाद जो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, रेड टेपेट को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद इलीगल प्रोसेस से लोग नेट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में प्राइवेट वीपीएन और लोगों की जो सुरक्षा है वो वल्नरेबल हो जाती है, उनकी जो निजी जानकारियां हैं वो दूसरे जगह जाने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का इन्होंने कोट किया है। आईटी एक्ट, टेलीग्राम एक्ट 1885। इसके बाद इन्होंने एक कंक्लूजन देते हुए एक बेहतरीन तरीके से इसे कंक्लूड किया है। प्रश्न के डिमांड के अनुसार आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के उत्तर लिखें या इस तरह के उत्तर आपको देखने को मिले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ एक कमेंट पिन कर दिया जाएगा, जिसमें टेलीग्राम के लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा इंटरनेट वाले प्रश्न का उत्तर।
इसी प्रश्न का यह हिंदी माध्यम का बेहतर उत्तर है। इनकी लिखावट थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन इनके कंटेंट और जो इनकी एनालिसिस की क्षमता है या शैली है वो अच्छी है। इन्होंने प्रश्न की शुरुआत की है कि वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी में इंटरनेट के बिना विकास का एक कदम भी बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इंटरनेट की काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, किंतु कई बार इसी इंटरनेट के दुरुपयोग ने लोकतंत्र के मजबूती में सेंध लगाने का भी काम किया है। फिर उन्होंने बिल गेट्स के एक स्टेटमेंट को कोट किया है, वह इंटरनेट ही है जिसने वैश्विक ग्राम की परिकल्पना को सर्च करके संपूर्ण विश्व को करीब लाने में मदद किया है। लोकतंत्र के विचारकों का कहना है कि इंटरनेट ने लोकतंत्र में सामाजिक समावेशीकरण को बढ़ाने तथा देश के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्तियों को देश की मुख्य धारा के निर्णयों में शामिल करने का कार्य किया है। फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो नेट शटडाउन किया गया था उसका उल्लेख किया है। फाइमा सर यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ केरला, मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत निजता के अधिकार और शिक्षा को लेकर मौलिक अधिकार की सूची में शामिल करने की बात इसमें कही गई थी। अनुराधा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, फिर इन्होंने आर्टिकल 19(1)(a) में किस तरीके से संविधान आपको विचारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और उस पर 19(2) के अंतर्गत युक्ति प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसका भी इन्होंने उल्लेख किया है। इसके बाद टॉप 10 VPN की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को आप जरूर कोट करेंगे अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो, कि 2020 में भारत में कुल 75 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया जिससे भारत को 2.8 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके बाद बार चार्ट के जरिए इन्होंने इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अलग अलग क्षेत्रों का इन्होंने वर्णन किया है। फिर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के कारणों को इन्होंने एक माइंड मैप के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि इंटरनेट पर आखिर शटडाउन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, अफवाह तीव्र गति से फैलने लगता है, उसे कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए, देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश में अचानक अगर कोई मुद्दे को लेकर विद्रोह उत्पन्न हो जाए उसे कंट्रोल करने के लिए, मॉब लिंचिंग या फेक वीडियो के सर्कुलेशन को रोकने के लिए, इन सारे बिंदुओं का इन्होंने उल्लेख किया है। इसके बाद सरकार इंटरनेट पर प्रतिबंध नियमों के तहत लगाती है, जैसे CRPC की धारा 144, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 की धारा 52, दूर संचार अस्थायी सेवा अधिनियम 2017 के नियम के आधार पर। इसके बाद इन्होंने एक कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन लिखते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि कंक्लूजन आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि कोई भी देश तभी सशक्त हो सकता है जब वहाँ के नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी भली भांति जानते हों, उसका निर्वहन करते हों। कर्तव्य नागरिकों को हिंसा, उपद्रव या अनैतिक कार्यों से बचाए रखता है, और इस स्थिति में सरकार को नागरिकों के किसी अधिकार पर प्रतिबंध लगाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि सरकार को लाभकारी बाध्यताओं के सिद्धांत से बचते हुए इंटरनेट शटडाउन को प्राथमिक विकल्प बनाने की जगह कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के समानुपातिकता सिद्धांत का भी उल्लेख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी सरकार इंटरनेट शटडाउन करने का निर्णय ले तो हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी को जरूर ध्यान में रखे कि आखिर इस निर्णय से जो लाभ होंगे और जो हानि होंगे उस दोनों का मूल्यांकन करने के बाद ही इस तरह के निर्णय लिया जाए। तो यह रहा आज का प्रश्न। कुछ लोग मुख्य परीक्षा के तिथि के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, तो इसकी अभी तो कोई भी अधिकारी के ऑथेंटिक इनपुट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर आप हमसे कहेंगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।